नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद यदि बात हो पैसा, पावर और रुतबा पाने का, तो सबसे पहली जॉब आती है आईएएस, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सो इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आईएएस बनना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बन सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आईएएस बनने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए और जॉब मिलने के बाद आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए। फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप आईएएस के एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आईएएस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यदि आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आप आईएएस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आईएएस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या फिर किसी भी फील्ड में बैचलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि आपके पास बैचलर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप आईएएस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन के बाद यदि हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 32 ईयर। ओबीसी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर। और एसटीएससी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 37 ईयर। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यानी कि दिव्यांग में आते हैं तो आपको 10 ईयर की छूट दे जाएगी। एज लिमिट के बाद यदि हम अटेम्प्ट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट 6 टाइम आईएएस एग्जाम दे सकते हैं और यदि ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 9 टाइम ओबीसी आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। और यदि एसटीएससी की बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है, आप 37 ईयर तक जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। अटेम्प्ट के बाद यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होता है, प्री के बाद मेंस होता है और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। यदि आप तीनों एग्जाम क्रैक कर जाते हो तो आपको जॉब मिल जाती है और आप आईएएस बन जाते हो। और यदि हम प्री एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम में आपके दो पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर आपका जर्नल स्टडी का होता है जो कि 200 नंबर का होता है और इस पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। और यदि हम पेपर लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में पेपर आपका उपलब्ध होता है, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश। प्री एग्जाम में सेकेंड पेपर की बात करें तो सी सेट का होता है जो कि 200 नंबर का होता है और ये टाइम की बात करें तो 2 आवर का होता है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। और यदि हम पेपर लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में पेपर आपका उपलब्ध होता है, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश। और यदि आप प्री एग्जाम में फर्स्ट और सेकेंड पेपर पास कर जाते हो तो आपको मेंस देने का मौका मिलता है। और यदि हम मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं। और यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू आईएएस बनना चाहते हो तो मेंस में आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पेपर देना होता है। तो चलिए देखते हैं कि मेंस एग्जाम में कौन कौन से 9 पेपर आपको देने होते हैं। फर्स्ट एग्जाम की बात करें तो आपका एसे होता है, जिसमें आपको 2 एसे यानी कि 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। मेंस में यदि हम सेकेंड एग्जाम की बात करें तो जर्नल स्टडी 1 जो कि 250 नंबर का होता है और इसमें इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम थर्ड पेपर की बात करें तो जर्नल स्टडी 2 जो कि 250 नंबर का होता है, इसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इसके साथ साथ पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम में 4th नंबर पेपर की बात करें तो जर्नल स्टडी 3 जो कि 250 नंबर का होता है, जिसमें आपसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस एग्जाम में 5 नंबर एग्जाम की बात करें तो जर्नल स्टडी 4 जो कि 250 नंबर का होता है और इसमें एथिक्स और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेंस एग्जाम में 6 नंबर पेपर की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग 1 जो कि 250 नंबर का होता है और इसमें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम में 7th नंबर पेपर की बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग 2 होता है, जिसमें आपसे 250 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर एक चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के अलावा किसी दूसरी फील्ड से हैं तो आपका पूरा सिलेबस एक समान होगा, बट मेंस एग्जाम में आपके पास एक सब्जेक्ट की चॉइस होती है।
जैसे यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से हो तो मेंस एग्जाम में आप एक सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ले सकते हो, तो उस सब्जेक्ट का टोटल 2 पेपर होगा। जैसे यहां पर हमने आपको बताया कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फर्स्ट पेपर और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सेकेंड पेपर आपका मेंस में होता है। तो इसी तरीके से यदि आप किसी अदर ब्रांच से हो तो आप मेंस में अपने ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मेंस एग्जाम में 8 नंबर पेपर की बात करें तो इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती हैं सभी लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज चूज करना होगा और उसी लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेंस एग्जाम में यदि हम 9th नंबर पेपर की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यही वो 9th एग्जाम है जो आपको मेंस में देने होते हैं। और यदि आप इन 9th एग्जाम में पास हो जाते हो तो आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू 275 नंबर का होता है और यदि आप इंटरव्यू पास कर जाते हो तो आपको आईएएस की जॉब मिल जाती है। और आईएएस बनने के बाद यदि हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 80,000 होगी और सैलरी के साथ साथ बहुत सारी राजसी सुख सुविधाएं आपके पास होंगी। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आईएएस बनना चाहते हो तो आप किस तरीके से बन सकते हो। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आईएएस से रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।